यशोमती मैया के नंदलाला। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। प्रभु इसे कुछ होने दे सकते हैं क्या? पर राक्षसी इसे अपने साथ लेकर गई थी तो इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि? और राक्षसी के तन को अग्नि में डालना होगा। आत्मा कितना भी बुरा कर्म क्यों ना कर ले, परमात्मा यही चाहते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। जो तन त्याग चुके हैं उनका अंतिम संस्कार करना जीवित व्यक्तियों का ही कर्तव्य है। बहन योगमाया, एक बार फिर से बचा लिया तुमने। हम अभी अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। यशोदा, हमें भी शुद्धिकरण में देर नहीं करनी चाहिए, गौशाला चलते। इसका तन बहुत विशाल है, इसके शरीर को खंडित करना होगा, अनेक चिताएं जलानी होगी। आओ सब मिलकर हाथ लगाओ। प्रभावती, गोमूत्र और गोबर ले आओ, शुद्धि पूजा शुरू करनी है। लाओ यशोदा। क्यों चाहिए मेरा लल्ला? सत्य बताना, कौन हो तुम और ये सब कौन है? यशोदा, मैं रोहिणी जिज्जी और ये सब गोपियां तुम्हारी सखियां। कैसे भरोसा करूं मैं कि आप रोहिणी जिज्जी हो और ये सब मेरी सखियां ही हैं? कैसे भरोसा करूं कि आप जो दिख रही हो सत्य में वो ही हो, कोई और ना हो? मेरे घर जो आई थी साक्षात देवी का रूप थी, किंतु वो चुड़ैल निकली, राक्षसी। बस अब मुझे किसी पर भरोसा ना करना है। नारायण की बहुत बहुत कृपा, हमारे लल्ला को कुछ ना हो।
यशोदा, शुद्धि करना आवश्यक। उसके लिए अपनों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको पता भी है यहाँ क्या हुआ है? ना, इसीलिए आप तो मत ही बोलो कि मुझे किस पर भरोसा करना है और किस पर ना। आप ना थे यहाँ, आपने ना देखा कैसे वो राक्षसी देवी के रूप में आओ और माँ की आंखों में धूल झोंक गई। कैसे उस राक्षसी ने मेरी ममता का लाभ उठाओ है और मेरे सामने मेरे लल्ला को लेगा। ये सब आपने ना देखा क्योंकि आप यहाँ थे ही ना। मैंने कही थी ना, मुझे आभास हो रहा है, मत जाओ। किंतु आपने क्या कही? चिंता ना करो जसोदा, अब देखो क्या होगा। उस नरभक्षी, उस राक्षसी ने मेरे लल्ला। जसोदा, जसोदा, मेरे लल्ला। जसोदा, यशोदा, नारायण की कृपा से कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे लल्ला को। समझने का प्रयास करो। वही तो कर रही हूँ जीजी, समझने का प्रयास। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी कि एक अनजान पे भरोसा कर लो। मैंने एक माँ होके भी मैं सत्य ना देख पाई, किंतु आप, तुम सब स्वयं को सखिया बताती हो ना मेरी, तुम सबने भी ना देखी, एक बार भी मुझे सचेत ना किया उस राक्षसी के बारे में। यदि कुछ हो जाता मेरे लल्ला को तो कहाँ जाती, क्या करती, किसको दोष देती? तुमने सत्य कहा यशोदा, ये हम सबका दोष है। हम सबसे त्रुटि हुई और हमारे नीलमणि के प्राण संकट में पड़ गए। किसी को दोष देने का अब कोई लाभ ना है। हमें अपनी त्रुटियों से सीखना होगा। एक भूल हम पहले ही कर चुके, शुद्धि ना करके दूसरी भूल ना करेंगे यशोदा। हाँ यशोदा, उस राक्षसी ने हमारे नीलमणि को विष पिलाने का प्रयास किया था। नारायण की कृपा से अब हमारा लल्ला ठीक है, किंतु उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्धि पूजा करनी ही होगी। घबराओ मत मैया, अब सुरक्षित हूँ मैं। आते दो। बहू के लिए इस घटना से उबरना आसान ना होगा। और गोकुलवासी भी इस दुस्वप्न को शीघ्र भुला नहीं पाएंगे, बहुत भयभीत है वो। सामान्य मनुष्य के लिए राक्षसों से रक्षा संभव ना है, पर प्रभु ने कर दी। अब साहस भी वही देंगे। चिंता मत करो बाबा, पूतना स्वयं सबका भय दूर करने में सहायता करेगी। ये सुवन कैसी है?
ये सुगंध कहां से आ रही है? मन में जैसे शांति की लहर सी पैदा कर रही है। प्रमाण है कि श्री हरि नारायण ने ही हमें संकट से बचायो। उनसे परम गति पाकर ही कोई इतना पवित्र हो सकता है कि उसके चिता से भी सुगंध आए। आप सही कह रहे हो बाबा। विष मिलाया तो क्या, दूध तो पिलाया था मुझे पूतना ने, इसी कारण से मैं उसका ऋणी बन गया। तो फिर उसको मोक्ष तो मुझे देना ही था। ये कोई साधारण सुगंध नहीं, मेरे शत्रु की पराजय की सुगंध है। उस पराजय से सुनिश्चित मेरी दीर्घायु की सुगंध है। ये उस संदेश की सुगंध है कि पूतना ने अपना कार्य संपन्न किया। उस विष्णु पर मेरी विजय की सुगंध है ये। क्षमा चाहती हूँ महाराज, आप मुझे देख रहे हैं पर मैं आपको देख रही हूँ। कहना क्या चाहती हो? यही कि इस समय जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात किसी विषय पे मेरा दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकता है महाराज। पहेलियां बुझाना बंद करो, सीधा सीधा कहो क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। जब तक मैं अपने नेत्रों से प्रमाण नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं मानूंगी कि ये सुगंध आपके विजय की है या पराजय की। प्रमाण के लिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी अस्ति। वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपके नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। इसे मेरी गोद अपरिचित नहीं लगेगी, ऐसा अनुभव करेगा कि अपनी माँ की गोद में है। आप काजल ले आइए, अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। कैसे एक अपरिचित पे विश्वास कर लो तेरी मैया ने? उसने कही थी कि वो मथुरा से आई है, अब वसुदेव भैया ने भेजा है उसे दूध पिलाने के लिए। इसका तो यही अर्थ है कि उसे पतो था कि आप मथुरा में हो और वसुदेव भैया से मिले हो। फिर सकुर शंका का प्रश्न ही ना उठता था। नन्हे बालकों को खाने वाली वो राक्षसी कहीं मेरे लल्ला को कुछ। यशोदा, इसमें तुम्हारा दोष ना था। तो फिर किसका था? पूरे गोकुल में उसने हमारे ही भवन क्यों चुनो? और बल से ना बहाना बना के वसुदेव भैया ने भेजो है कि मैं उसका विश्वास कर लूं। मेरे ही लल्ला को निशाना क्यों बना उसने? कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। पूतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को
उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ है। बोलिए, मेरे लल्ला ने क्या बिगाड़ो था उसका? हाँ, क्या शत्रुता थी उसकी मेरे लल्ला से? वसुदेव भैया और देवकी भाभी ने जो कही थी वो मुझे यशोदा को बताना चाहिए कि ना? ना 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 बाबा, बिल्कुल मत बताना। मैया को पता चला तो ये और भयभीत हो जाएंगी। रात दिन केवल मेरी चिंता और रक्षा में ही डूबी रहेंगी। क्या सोचने लगे आप? अवश्य ही आपको कुछ पतो है जो आप बताना रहे। बताइए, बताइए ना। आज तक कुछ ना छुपाया हो मैंने इससे, फिर आज कैसे? ना ना, मुझे बताना ही चाहिए। लो कर लो बात, अभी अभी तो पूतना के आघात से मैया बाहर आई है, आप फिर एक नया झटका देना चाहते हो? ऐसा मत करो बाबा। आज जब मैं कंस से मिलो तो उसने अच्छे से मेरा स्वागत करो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से स्वागत कियो, मिठाई भी खाई, सब ठीक थो, पर यहां कुछ ठीक नहीं था। बस किसी तरह आप विषय बदल दो ताऊ जी। गोकुल के बारे में मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं। मैं तुमसे उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। सुनिए, आप लोग वार्तालाप करो, लल्ला को भूख लगी आई होगी। नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है कि छोटी छोटी आंटों पर कि कोई है, हम भी हमारे आसपास कोई है जो हमारे इस नंद भवन पे अपनी बुरी दृष्टि अभी भी गड़ाए हुए है। संकट अभी समाप्त ना हुआ है भैया, अब तक तो उसे पता चल गए होगो कि पूतना सफल रही। किसे? कंस को। उतना शुभ समाचार लाती ही होगी। महाराज की जय हो। देखा, समय भी कंस को प्रतीक्षा करवाने का दुस्साहस नहीं करता। भीतर ले आओ उसे। किसे महाराज? और किसे दुर्जन, पूतना को। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु वो नहीं रही। क्या कहा तुमने? पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। पूतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। पूतना की मृत्यु के समाचार सुनकर कंस क्रोध की अग्नि में जल उठे को। नन्हे मासूम बालकों की हत्या करने के लिए पूतना को कंस ने भेजा था? इतनो निर्दय, इतनो स्वार्थी भी कोई हो सके? कंस की क्रूरता की कोई सीमा ना है भैया, इसलिए मुझे तो भय लग रहा है कि पता नहीं कंस आगे क्या करेगा।
क्योंकि पूतना की मृत्यु हमारे लल्ला को हमारे भवन में मारने के प्रयास के कारण हुई थी। नंद भवन में? जी महाराज, मृत्यु के पूर्व पूतना नंद भवन ही गई थी। नंद के पुत्र को मारने का प्रयास ही कर रही थी। मुझे पुत्र हुआ। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। और उस बालक का क्या हुआ? बालक, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु उसे तो एक खरोच भी नहीं लगी। वो पूरी तरह सुरक्षित है महाराज। किंतु एक बात और है महाराज, हम जब कई समय से रानी रोहिणी को ढूंढ रहे थे ना, यहां से भागने के पश्चात उन्होंने गोकुल में आश्रय लिया है और उनका 1 वर्ष का पुत्र भी है। पूतना मारी गई नंद के यहाँ। रोहिणी कहाँ है? नंद के यहाँ। नंद का रहस्य तो गहराता ही जा रहा है महाराज। सब कुछ मेरे नेत्रों के सामने था, फिर भी चूक कैसे गया मैं? पहले ही समझ जाना चाहिए था। यदि वसुदेव किसी पर स्वयं से अधिक विश्वास कर सकता है तो वो नंद ही है। तो क्या वसुदेव और देवकी ने नंद के साथ मिलकर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। प्रारंभ से ही मुझे मूर्ख बनाया दोनों ने। मैंने तो उन्हें जीवन दान दिया, और क्या किया उन्होंने मेरे साथ? धोखा। अब वो स्वयं बताएंगे कि क्या षड्यंत्र रचा है उन्होंने। अब ना तो वसुदेव बचेगा, ना देवकी बचेगी, और ना ही बचेगा उनका आत्मा पुत्र। ना देवकी बचेगी और ना ही बचेगा उनका आत्मा पुत्र। देवकी बचेगी और ना ही बचेगा उनका आत्मा पुत्र।